साथी नमस्कार, मैं आप सबको वेलकम करता हूं आपका अपना ही चैनल एफएस ज्ञान में। फ्रेंड्स, मैंने व्हाइट बोर्ड पर क्वेश्चन लिख दिया है, चलिए बिना लेट करे इसको समझते हैं और बनाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दिखने में जितने जटिल लगते हैं बनाने में उतने मजेदार होते हैं। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा कि एक संपत्ति एक्स वाई जेड तीनों में बांटी जाती है, एक्स और वाई को 7400 रुपए मिलते हैं, वाई और जेड को कितने 9500 रुपए मिलते हैं, और जेड और एक्स को 8585 मिलते हैं। तो बताना है कि हमें वाई को कितना मिला, पर्टिकुलर वाई को कितना मिला वो हमें फाइंड करना है, है ना, चुटकियों में बन जाने वाला सवाल। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसका आंसर आपको पता है तो प्लीज मुझे वीडियो पॉज करके कमेंट पे आंसर भेजिएगा। और हाँ, अगर वीडियो में अंत तक जानना चाहते हैं इसका आंसर क्या होगा तो चले चलते हैं। तो इसे मैं इस प्रकार से लेता हूँ कि मान लो वह संपत्ति तो पता नहीं है, लेकिन जब डिवाइड होती है तीन भागों में तो वो है क्या है कि एक्स को वाई को और जेड तीनों में मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर जो तीनों को जो मिलने वाली कुल संपत्ति वो हमें निकालनी है, पहला स्टेप। अब यहाँ से बारी बारी से हम जाते हैं कि सबसे पहले किसको एक्स और वाई को कितना मिलता है, तो एक्स और वाई को मिलते हैं 7400 मिल जाता है। इसी तरह दूसरे को मिलता है, जो दूसरा भाग बटा है किनको किनको बटा है, वो वाई और जेड को बटा है। तो वाई और जेड को मिलाकर कितने भाग में कितने रुपए मिलते हैं, ये होंगे हमारे 9500 मतलब 9500 रुपया। और जो तीसरा पोर्शन में बटा है वो क्या है, जेड और एक्स के बीच में बटा है, तो ये कितना बटा है वो, तो ये बटा है हमारा रुपये 8500। इस प्रकार तीन भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले वो हमें कुल संपत्ति निकालनी है ना, तो वह संपत्ति क्या है, ठीक है। तो ये जो ये कुल कैसे आएगा, तो इन कुलों को लाने के लिए क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देते हैं। तो सबको जब ऐड करेंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये एक्स और एक्स दो बार आया है, है ना। ध्यान देते हैं कि दो एक्स भी दो बार आया है, वाई धन वाई ये भी दो बार आ गया, और जेड भी दो बार आ गया। तो सब क्या गया हमारा, दो दो बार आ गया है। इनको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 0 80 आ गए, ये 5 5 10 और 4 14 हो गया, एक बचा यहाँ से 9 9 18 और 18 और 7 हो गया हमारा 25। इस तरह से तो यहाँ पर देखते क्या है, सब में तो दो दो कॉमन है ना फ्रेंड्स, यहाँ पर कॉमन है उसको क्या करके बाहर कर लेते हैं, ठीक है। इस तरह से बाहर आ गया और ये हो गया हमारा 25400 रुपया। अब इसको हम क्या करेंगे, दो से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 2 1 2 हो गया, 2 2 4 एक बचा 14 2 7 14 2 0 2 0 इसलिए जो कुल संपत्ति है ना, कुल संपत्ति क्या है हमारा, एक्स वाई जो बताया था हमें 12700 रुपया है। इसी को हमने बारी बारी से क्या है बांटे हैं दोनों में, एक्स वाई में, वाई जेड में और जेड और एक्स में बांटे हैं। तो वह कुल संपत्ति हो गई हमारी 12700 रुपया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि हमें निकालना क्या है, जो वाई को कितना मिला है ना। तो इसके लिए यहीं से हम सीधा आंसर ला सकते हैं, लेकिन दोनों विधि आप जरूर देखिएगा। पहला विधि क्या होता है कि जो कुल मिला है ना, ये जो कुल मिला है उसमें हम क्या करेंगे, y और z के हर देंगे, ठीक है। तो y z की जो वैल्यू यहाँ पर डाल देंगे ना तो क्या हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से, तो ये हो जाएगा हमारा x है और यहाँ पर y और z को कितना मिला है, कितने उसको भागों में बांटा गया है, कुल 9500 रुपए उसको प्राप्त हुआ ऐसा बोलेंगे। ये 9500 रुपए हो गया और कुल जो संपत्ति है ना, x को मिला क्लियर है, y को मिला, z को मिला कितना है, 12700 रुपए है। तो ये हो गया हमारा 12700 रुपया। तो एक सौ कितना गया यहाँ से माइनस कर देंगे इसमें, तो ये हो गया 12700 रुपया और इसको माइनस करेंगे 9500 रुपया को। तो हमारा जो एक सौ आंसर है, एक सौ को मिलने वाली राशि है ना, उनका 2 0 कट गया यहाँ से, 7 5 जो 0 का 2 0 आ गया, 7 5 कम करेंगे तो 2 आ गया और 12 9 कम करेंगे तो 3 आ गया। तो एक सौ को मिल गया हमारा 3200 रुपया उसका हिस्सा कितने में, क्लियर है। चूंकि एक्स के मान को हम कहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे तो जेड का मान निकल जाएगा, क्लियर है, चलो कर देते हैं। तो अब यहाँ से बोलेंगे तो ये हो गया हमारा जेड और एक्स को कितना मिला है, 3200 रुपए मिला है और दोनों के बीच कितना का बटा हुआ है, 8500 का बटा हुआ है, 8500 का, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ से जो जेड की जो जो मिलने वाली संपत्ति कितनी हो गई है, तो 8500 में हम क्या कर देंगे, इसको कम कर देंगे, 3000 यहाँ पर माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 3200 को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा क्या, 2 0 आपस में माइनस है तो 0 0 आएंगे, 5 में 2 कम करेंगे तो 3 आ गया और 8 में 3 कम करेंगे तो कितना गया, 5। तो जेड को मिलने वाली संपत्ति क्या है, 5300 रुपया है। अब बचिए क्या वाई को, तो हम चाहते हैं कि जेड और एक्स की जो वैल्यू है यहाँ पर डाल देते हैं, है ना। तो वाई को मिलने वाले से यहीं से निकाल लेते हैं, तो वाई को क्या मिलेंगी देख लेते हैं। तो ये एक्स और जेड को कितना मिल रहा है, रख देते हैं वैल्यू, तो ये हो गया 3200 रुपया एक्स को मिला है, वाई को हमें पता करना है और जेड को कितना मिला है,
5,300 रुपया मिला है और टोटल कुल संपत्ति होगी हमारी 12,700 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए इन दोनों को जोड़ लेते हैं। तो जोड़ने से हमारा जो क्या आएगा, यहाँ से जोड़ते हैं, ये हो गया हमारा 2 0 आ गए, 3 और 2 5 हो गए और 5 और 3 8 हो गए, प्लस y ऐसा बचा और ये हमें 12,700 रुपया। अब जो हमें y की जो संपत्ति की ज्ञात करनी है ना यहाँ पर क्वेश्चन में, तो यहां से निकल गया हमारा आंसर कि y की जो मिलने वाली जो संपत्ति है वो कितनी हो जाएगी, कि 12,700 में हम किसको माइनस करेंगे, 8,500 को कर देते हैं, 8,500 को माइनस, तो यहाँ से 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 7 में 5 कम करेंगे 2 आएगा, यहाँ से 12 में 8 कम करेंगे तो 4 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से जो y को मिलने वाली संपत्ति कितनी आ गई, 4,200 रुपये। ठीक है फ्रेंड्स, आपको लगा हुआ थोड़ा लेंदी, लेकिन मैं अब एक ऐसा तरीका बताता हूँ कि इतना सब हमें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए समझा रहा हूं मैं, तो हमने ज्ञात कर लिया कि क्या तीनों को जो संपत्ति का जो विभाजन हुआ है, अर्थात जो कुल संपत्ति है उसने हमने ज्ञात कर लिया है वो क्या है, 12,700 रुपया है। क्लियर है? अब चूंकि हमें वाई की निकालनी है, ध्यान दीजिए वाई की जब वैल्यू हमें निकालनी है केवल, तो क्या करेंगे इसमें, यहाँ जो क्वेश्चन जाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा वाई को मिलने वाली संपत्ति क्या हो जाएगी, एक को हमें ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है, जेड को कितना मिला वो निकाल लेते हैं, है ना। तो जेड को यहां से करेंगे क्या हो जाएगा, इन यहाँ पर जो है ये इस क्वेश्चन से कि y प्लस जेड यहाँ पर दिया है ना, ठीक है, या z प्लस x यहाँ दिए, इसको उपयोग कर लेंगे, तो z और x को मिलती है 8,500 रुपया, यहाँ से जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस y प्लस z ऐसा है, और 12,700 रुपया सबको मिलता है। तो हमें जो y z प्लस x मिल गए क्या, कि इसको और ये हो गया x बोल देते हैं और इसको मैं z ले देता हूँ, इसको बोल देता हूँ y, तो इन दोनों को जो मिला है उसमें y ये कुल संपत्ति में से इतने को माइनस कर देंगे, तो ये क्या मिला है यहाँ से देखते हैं, तो 8,500 मिला है ना फ्रेंड्स इस तरह से, और y को यहाँ से हमारा जो मिलने वाली राशि वो क्या हो जाएगी। क्लियर है? इतना सब बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हमें क्या है तरीके से सीखना है, अलग अलग तरीकों से हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करना है। तो ये हो गया हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ से, 4,200 रुपया जो कि आया था। ठीक है फ्रेंड्स, और तरीके हैं कैसे कि इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, एक्स और एक्स कट गया यहाँ से, चलिए वो भी देख लेते हैं तरीका, ये हो गया होगा। एक तरीका और क्या है कि दोनों को माइनस कर लेते हैं, है ना, इसमें एक में 3 उठाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे, यहाँ से देखते हैं एक्स धन वाई ऐसा हो गया और यहाँ पर माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस जेड हो जाएगा और ये माइनस एक्स हो जाएगा, यहाँ से क्या आएगा 7400 में माइनस करेंगे क्या आ गया हमारा 8,500। ठीक है चलिए कर लेते हैं, तो 7400 में 8,500 माइनस करेंगे, है ना, हाँ तो चलिए क्या हो गया, तो 50 माइनस इधर आना ही आना है, है ना, तो 2 0 कट गया यहाँ से, 5 में 1 कम करेंगे, 4 कम करेंगे तो 1 आ गया, 8 में 7 कम करेंगे तो 1 आ गया, क्लियर है, माइनस आया। यहाँ से देखते हैं कि ये माइनस एक्स और माइनस प्लस एक्स, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कटे हैं, है ना, और ये वाई माइनस जेड ऐसा आ गया हमारा। क्लियर फ्रेंड्स, आगे देखते हैं कि वाई प्लस जेड क्या दिया यहाँ से, ये वाई प्लस जेड दे दिया हमारा 9,500 रुपए, है ना, तो ये तो बन गए हमारे क्या, रैखिक समीकरण बन गए। हल करने की बहुत सी विधियां हैं, हमें चूंकि y निकालना है फ्रेंड्स इसको, तो दोनों को क्या करते हैं जोड़ देते हैं, है ना, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ गया हमारा 2y बराबर क्या आ गया, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2 0 में 2 0 ऐसा हो गया, 5 में 4 1 कम करेंगे 4 आ गया और 9 में 1 कम करेंगे 8 आ गया, या y की जो निकालनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8,400 को हम क्या कर देंगे आधा कर देंगे, क्लियर है, तो कितना आ गया 4,200 आ गया, है ना मजेदार, तो आंसर तो वही आना है फ्रेंड्स। ठीक है, आंसर वही आएगा लेकिन हमारे जो बनाने के तरीके हैं वो अलग अलग हुए, पहुंचा मंजिल में 4,200 देगा। तो इस तरह से जो आंसर क्या है हमारा कि y को मिलने वाला हिस्सा कितना गया हमारा 4,200 अर्थात 4,200 रुपये है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए आपका भी आंसर यही आया होगा। अब बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर जो बहुत और इंटरेस्टिंग है और मजेदार है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं, इसे बिताता हूँ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी व सी को एक काम करने के लिए 1,000 रुपए पर रखा गया है, ए और बी कार्य का 19/23 अंश पूरा कर लेता है, उस काम का इतना भाग ए और बी मिलकर पूरा कर लेते हैं, इसी तरह बी और सी मिलकर उसी कार्य का 8/23 भाग भी पूरा कर लेते हैं, तो ए को कितना मिलना चाहिए हमें ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें रुपया निकालना है, क्लियर है, तो क्या करेंगे कि ए ने कितना अंश कार्य किया, उस टोटल कार्य यूनिट कार्य है ना, एक यूनिट कार्य है उसका कितना अंश उन्होंने किया वो निकाल लेते हैं, और अंश निकल जाएगा तो इसी रुपये में से उसका हिस्सा अलग कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो इसे हम कैसे बनाएंगे कि मान लो जो ए का जो है ना, ए का जो कार्य का हिस्सा है, या ए ने कितना कार्य किया, तो ए ने कार्य किया कितना कार्य किया मान लो
उस पूरे कार्य का x भाग किया, x अंश कार्य किया, इसको ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और a और b मिलकर कितना कार्य करते हैं, तो यहां भी लिख देते हैं कि a और b मिलकर उस कार्य का कितना अंश करते हैं, 19/23 अंश करते हैं, क्लियर है। चलिए और आगे b और c मिलकर उसी कार्य का कितना भाग पूरा करते हैं, 8/23 भाग करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह से टोटल कार्य, टोटल सभी के कार्य को जोड़ देंगे, है ना। तो यहाँ पर हम एक चीज सीख रहे हैं कि ए ने कार्य किया एक संस, है ना, तो बी का कार्य यहाँ से कितना हो जाएगा, देखते हैं बी क्या हो जाएगा हमारा, एक संस यहाँ पर लिख देता हूँ, एक हो गया, एक का कार्य हो गया, और प्लस बी बराबर दोनों में करते हैं उस पूरे कार्य का 19/3 भाग करते हैं। तो यहाँ जो बी की वैल्यू मैं निकालना चाह रहा हूँ ना, तो बी कैसा हो जाएगा, उस टोटल दोनों द्वारा किए गए कार्य में से एक द्वारा किए गए कार्य को माइनस कर देंगे इस तरह से। तो ये हो गया हमारा बी का कार्य, है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बी बी और सी मिलकर 8/23 भाग उस कार्य का पूरा करते हैं। तो अकेले बी द्वारा कितना कार्य किया है, तो बी सॉरी अकेले सी द्वारा कितना कार्य किया गया, तो इस बी के मान को यहाँ देखेंगे ना, तो अकेले जो सी के द्वारा किए गए कार्य किया जाएगा यहाँ से देखेंगे, इसको मैं लेता हूँ 19/23 ऋण एक्स, और प्लस सी के द्वारा किया गया कार्य और दोनों के द्वारा किया गया कार्य हमारा 8/23 है। तो इसी तरह जैसे इसको निकाले ये भी निकल जाएगा हमारा, तो अकेले सी द्वारा है ना उस टोटल कार्य कितना भाग करते हैं, 8/23 माइनस हो जाना है, ये हो जाएगा हमारा 19/23 और प्लस एक्स, इतना जो भाग है वो अकेला कौन करता है, सी। अब चूंकि तीनों मिलकर उस तीनों काम के लिए रखा गया है ना, तो तीनों द्वारा किया गया कार्य मान लो कितना है, पूरा एक यूनिट काम है, एक काम है। तो x a द्वारा किया गया काम कितना गया हमारा, उस टोटल कुल कार्य का x भाग, ठीक है। फिर b द्वारा कितना कार्य किया जा रहा है, 19/23 ऋण x भाग, ठीक है। और अकेले c द्वारा कितना काम किया जा रहा है, ये हो गया हमारा 8/23 ऋण 19/23 और यहाँ हो गया प्लस x, ये पूरे काम किसके बराबर हो रहे हैं, एक के बराबर होंगे, उस एक इकाई या एक यूनिट काम के बराबर होंगे। इसे सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करते जाएंगे तो हो जाएगा हमारा जो एलसीएम आएगा पूरे का यहाँ का हो जाएगा 23 आ जाएगा, इस तरह से ये हो गया 23 का यहाँ से गुणा कर देंगे, है ना, 23 एक्स आ जाएगा, फिर 23 की पढ़ा 23 एक बार में, तो 19 से कम 19 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 23 एक से भी हो जाएगा इस तरह से, प्लस ये हो जाएगा 8 हो जाएगा 19 अभी हो जाएगा हमारा 23 एक्स बराबर कितना गया, से एक आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ेंगे तो क्या करेंगे, 23 और 23 कट रहे हैं आपस में काट देते हैं। चलिए यहाँ से ये बचे हमारा 23 एक से बच गया और धन 8 और नीचे भी 23 है, यहाँ पर जाकर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 23 से कम 23 आ गया फ्रेंड्स। अब उसके बाद क्या करेंगे, प्लस 8 जो उस पर जाके माइनस हो जाएगा ना, तो 23 ऋण 8 इसके बराबर होगा, 23 एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से जब 23 एक्स किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ से एक यहाँ से 23 ऋण 8 कम कर देंगे ना, तो कितने आ गया वो 15, ठीक है। इस तरह से जो ए द्वारा किया गया जो काम है ना, वो कितना गया, 23 भाग में से कितना भाग ए कर लेता है, 15 भाग ए ने कंप्लीट कर लिया। अब इसका हमें रुपया बनाना पड़ेगा कि ए को कितना रुपया मिला, अर्थात कुल रुपयों में से जितने को गुणा कर देंगे वही उसका हिस्सा हो जाएगा। तो ए को कितना रुपया मिलेगा देखेंगे, तो कुल रुपया आ गया हमारा 1058 है, और पूरे काम का वह 15/23 भाग पूरा कर लेता है अकेले, है ना। तो 23 से कम 23 और 23 में कट जाएगा, और आगे जब हल करेंगे तो कितना आएगा, 15 × 60 15 × 90 9 × 15 = 60 और 9 × 69 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये रहा हमारा आंसर, उम्मीद है आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ कॉन्सेप्ट समझने में आसानी होगी। फ्रेंड्स वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं ऐसे बेहतरीन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।